हेलो एवरीवन मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो जैसे कि आप जानते हैं हमने हिंदी हिंदी क्लास टेंथ की सीरीज शुरू कर रखी है तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी गद्य खंड का चैप्टर ट्वेल्व जिसका नाम है लखनवी अंदाज इस कहानी के लेखक हैं यशपाल तो इस कहानी का एक उद्देश्य है जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हर कहानी का एक उद्देश्य होता है तो इसी तरह इस कहानी का भी एक उद्देश्य है जिस तरह आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं वास्तविकता क्या है और लोग किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं तो मैं बताती हूँ आपको कि लोग वास्तविकता से बिल्कुल बेखबर हैं और वो एक बनावटी जीवन शैली के आदि हो चुके हैं मतलब जो सिचुएशन है वो उसके हिसाब से अपनी लाइफ बिल्कुल नहीं जी रहे हैं बल्कि जो उन्होंने अपने दिमाग में एक माइंड सेट बना रखा है कि हम इस हिसाब से हमें अपनी लाइफ जीनी है तो वो उसी हिसाब से जी रहे हैं तो मैं बताऊँ कि ऐसा क्या है कि वो क्या गलत कर रहे हैं इसी इसी के लिए लेखक जो है यशपाल उन्होंने इस कहानी का उद्देश्य प्रकट किया है और उन्होंने इसमें एक बात और बताई है कि बिना बिना किसी सिचुएशन के या फिर बिना किसी उद्देश्य के भी एक कहानी लिखी जा सकती है हम उनके पास कोई सिचुएशन नहीं थी कि वो क्या कहानी लिखें वो सिर्फ सोच रहे थे कि वो कहानी क्या लिखें और उसी टाइम पे उन्हें ऐसा कह सकते हैं हम ऐसा तथ्य मिला जो उन्होंने इस कहानी की रचना की जिसकी वजह से उन्होंने इस कहानी की रचना की तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में कैसा क्या हुआ कि उन्होंने इस कहानी को बनाया इस कहानी को लिखा और हम सबके सामने प्रकट किया जिसे आज हम जान रहे हैं तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से यह पूरी कहानी जो है ट्रेन में है जैसे कि फिल्मों में होता है कि एक एक उस पर एक चीज पर आधारित होती है कोई फिल्म तो इसी तरह यह कहानी एक ट्रेन के ऊपर आधारित है लेखक एकांत में एकांत में यात्रा करना चाहते थे ताकि वह सोच सकें कि वो अपनी नई कहानी किस तरह से लिखें इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास का डिब्बा बुक किया जिसमें ज़्यादा लोग नहीं जाते क्योंकि उसकी फीस जो होती है महंगी होती है सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट महंगा होता है तो उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना था और एकांत में जाना था इसीलिए उन्होंने सेकेंड क्लास डिब्बे का टिकट लिया ट्रेन चलने ही वाली थी तो वो एकदम जल्दी से ट्रेन के अंदर चढ़े ट्रेन में जब वो चढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक सीट पे लखनऊ के नवाब लखनवी नवाब सफ़ेद पोश सीट पे पालती मारकर बैठे हुए हैं उनके सामने दो खीरे रखे हुए हैं जो तोलिए पे रखे थे और वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं उन्हें कोई उत्सुकता नहीं थी एक नए यात्री से मिलने के लिए तो इसी को देखते हुए वो उनके सामने वाली सीट पे बैठ जाते हैं काफी देर तक वो बैठे रहते हैं अब उनकी पुरानी आदत है वो कहानियां लिखते हैं सोचने की कल्पना करने की तो उन्होंने कल्पना की कि शायद ये आ, अकेले हैं इसलिए इन्होंने खीरे खरीदे होंगे अकेलेपन को दूर करने के लिए ये इन खीरों के साथ अपना अकेलापन दूर करना चाहते होंगे या फिर ये अकेले में जाना चाहते होंगे इसलिए इस तरह सेकेंड क्लास के डब्बे में मेरी वो इसी तरह उनके बारे में सोचने लगे जब सोचते सोचते उन्हें थोड़ी देर हो गई थोड़ा समय बीत गया तब वो लखनवी नवाब जो थे सफ़ेद पोश व्यक्ति उन्होंने उनकी उन्हों तरफ देखा और कहा आदाब अर्ज है जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे अब वो उन्होंने सोचा सभी सोचते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति हमसे पूछ रहा है तो हम भी थोड़ा सा अपन, अपनी तम, तमीज दिखाते हैं कह है सकते हैं उन्होंने भी कहा शुक्रिया जनाब किबला शौक फरमाएं इसका मतलब उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया कहा आप खाइए जनाब किसी अनजान व्यक्ति से हम मिलेंगे हम एकदम से उसकी चीज ले तो नहीं लेंगे वो हमसे पूछेगा तो इसी तरह लेखक ने भी यही किया फिर वो सफेद पोष आदमी ने उनका लोटा रखा था नीचे लोटा उठाया और खीरों को खिड़की से बाहर धोया उन खीरों को अच्छी तरह से काटा और फिर छीला छील के फिर उन्होंने अच्छी तरह से काटा उसके फाके बना ली और इस्टेशन पे खीरे वालों को पता होता है कि लोग लो खीरे को किस तरह खाना पसंद करते हैं तो वह एक पुड़िया में नमक मिला ज़ीरा और लाल मिर्चें साथ में देते हैं तो वो नमक मिला ज़ीरा और लाल मिर्चें वो सफ़ेद पोष व्यक्ति ने खीरों पे छिड़क दी आराम से और खीरे उन पर छिड़कने के बाद वो सब इतने ज़्यादा सुगंधित उनकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही थी इतने अच्छे लग रहे थे वो इतने स्वादिष्ट देखने में लग रहे थे कि लेखक के मुँह में पानी आ गया तो एक बार फिर से सफ़ेद पोश आदमी ने लेखक की तरफ देखा और उनसे कहा कि जनाब खीरा खाइए बहुत लजीज है नमक नमक छिड़का हुआ लाल मिर्च छिड़का हुआ तो आप खाइए तो उन्होंने फिर से वो पहले इनकार कर चुके थे तो आत्मसम्मान के लिए उन्होंने फिर से कहा शुक्रिया जनाब कि बड़ा शौक फरमाएं अब जब उन्होंने मना कर दिया खाने को तो उन्होंने खुद ही एक फाक उठाई और उसे अपनी नाक तक ले गए उस खीरे की फाक को इतने बहुत अच्छे से सूँगा उन्होंने और सूंघ कर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया इसी तरह उन्होंने दोनों खीरो को उठा दोनों खीरों की जितनी भी फाके थी उनको उठाया और सूंगा और खिड़की से बाहर फेंक दिया लेखक इस नज़ारे को देख रहे थे और सफेद आदमी सफेदी नवाब जो थे वो बिना कुछ बोले आराम से लेट गए अपनी नवाबी दिखाते हुए कि हाँ ये है हमारे ये हमारे तौर तरीके चीजों को खाने के और वो लेट गया उन्होंने ऐसा ऐसा जाहिर किया कि उनका पेट भर गया उन्होंने एक डकार भी ली जिसे देख के लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना खाए पिए जब हमें डकार आ सकती है तो बिना किसी घटना के बिना किसी बिना किसी घटना के या फिर बिना बिना किसी किसी पात्र के एक कहानी लिखी जा सकती है आप एक बार सोचिए कि जब बिना खाए पिए डकार आ सकती है खीरे से खीरा बिना खाए पेट भर सकता है हमारा तो बिना किसी पात्र और घटना के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती तो यही सोचकर लेखक ने इस कहानी को इस कहानी की रचना की उन्हें एक नया लेखक मिल चुका था अपनी कहानी का वो लखनवी नवाब जो थे वो एक लेखक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए तो इसी तरह उन्होंने हमें बताया कि बिना किसी सिचुएशन के बिना किसी पात्र के हमें कहानी की रचना कर सकते हैं इसके बाद अब हम आते हैं कि उनका दूसरा उद्देश्य जो था उनकी कहानी लिखने का कि लोग वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन शैली के आदि हो चुके हैं तो आप ये समझे एक वास्तविकता क्या थी कि उनके सामने खीरे थे जो लखनवी नवाब था उनके सामने खीरे रखे हुए थे वो चाहते तो उन्हें खा सकते थे लेकिन उनकी बनावटी शैली क्या थी उन खीरों को सिर्फ सूंघना और उन्हें फेंक देना इसी तरह लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते लेकिन फिर भी वो बाहर ऐसे दिखाते हैं कि उनके पास बहुत पैसे हैं खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे लेकिन वास्तविकता क्या होती है उन उन्होंने किसी से उधार ले रखा होता है या फिर उनके घर में दिक्कत होती है वो उन पैसों को वो लागे अपने पहनावे में खर्च कर देते हैं उनके घर वालों के पास इतना भी नहीं हो पाता कि वो पेट भर भोजन कर सकें तो ये होती है वास्तविकता और वो दिखा दे क्या है क्या है उनके मनावटी जीवन शैली नवाबों की तरह जीना तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें वही दिखाना चाहिए जो हमारे पास है रियालिटी है हमें सिर्फ वही दिखानी चाहिए वास्तविकता वास्तविकता होती है वास्तविकता हमेशा हम, अगर हम बनावटी जीवन शैली के आदि हो जाएंगे तो हमें उस टाइम तो खुशी मिलेगी लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और यह कहानी अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी तो इसी तरह दो इससे पहले के दो पार्ट दो पार्ट जो हैं जो क्या कहते हैं नेताजी का चश्मा और उसके बाद वाला जो है बाल गोविंद भगत आप वो कहानी भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि हर कहानी का एक उद्देश्य होता है वो हमें जीवन में कोई ना कोई सीख देती है और ये सब चीजें आप अगर टेंथ क्लास में है, तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं तो आपको ये सब समझनी होंगी अच्छे नंबर से पास होने के लिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिर